लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज अमेठी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यहां पे जनसभा था और आप देख सकते हैं कि अभी वो यहां से गए हैं, लेकिन यहां पर लाखों जन सैलाब का कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे पार्टी के। लेकिन जान लेते हैं कि अभी राहुल गांधी अखिलेश यादव तो क्या मुद्दे की बात हुई, क्या किसको सुनने भैया राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों लोग किसको सुनने आप आए थे। हम जो है दोनों लोगों को सुनने आए थे। ये हमारे दोनों नेता हैं, गठबंधन प्रत्याशी श्री किशोरी लाल शर्मा को हम लोग जो है भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली भेजने का कार्य करेंगे। तो स्मृति ईरानी जी का क्या है इस बार यहाँ पे। इस बार उनकी विदाई तय है। क्या है का विदाई, मोदी जी की सरकार में नेतृत्व सरकार चल रही है, उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ फीता का, जो अखिलेश जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कार्य किया था उसी का इन्होंने उद्घाटन किया। ये नाम बदलते हैं, नाम बदलने की सरकार है और कुछ किया नहीं। तो दोनों युवाओं नेताओं से क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है। हम लोग युवा हैं, युवा नेता से बहुत सारी अपेक्षा है। हमारे अखिलेश जी ने बहुत सारी योजनाएं लागू किए थे, 100 नंबर उन्होंने लागू किया था, 108 उन्होंने लागू किया था, 100 नंबर को बदल करके इन्होंने 112 कर दिया। तो इनका काम सिर्फ नाम बदलना। आप लोगों जो अब क्या मुद्दे की कुछ बात हुई, कुछ मुद्दे की बात करके गए आपके नेता जी। बहुत सारी हम लोगों की बात हुई है, बेरोजगारी पर बात हुई है, भ्रष्टाचार पर बात हुई है। नौजवान साथी जो है, जब गठबंधन की सरकार बनेगी तब जो है बहुत सारी नौकरियां निकाली जाएंगी और युवा रोजगार होगा। और राहुल गांधी जो खटाखट वाला बात बोल रहे थे उसको कैसे देखते हैं जी। खटाखट वो सही बोल रहे थे, क्या कहना चाहिए अभी। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। राहुल गांधी जो बोल के गए खटाखट खटाखट, तो आपको लगता है वो खटाखट खटाखट होगा। होगा होगा होगा, पहले हार तो जाने दो उनको। किसको? स्मृति ईरानी को। हार गई, पक्का हार गई। अच्छा, कितने लाख वोट से शर्मा जी की हार से हताश हो गई, क्योंकि उनके यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री दो दो जनसभाएं 2 दिन के अंदर में करके जा चुके हुए। कल उनके ही केंद्रीय राहुल गांधी जी का अखिलेश यादव जनसभा कितना, इतने डर चुके हैं कि उनके गृह मंत्री फिर जनसभा करने वाले हैं अमेठी में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दोस्त, क्या सुने आप? चाचा आप बताइए कैसा रहा माहौल, दोनों नेता यहाँ पे सुने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भैया। तो क्या इरादा है इस बार वोट देने का? इरादा फाइनल हो गया है। इरादा फाइनल हो गया। अच्छा, जो राहुल गांधी किसानों और नौजवानों के लिए खटाखट वाला बहुत बोले थे वो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको सुन के? क्या गलत हो रहा है, सही है, क्या गलत है? नहीं दे सकते हैं, जब 1600 करोड़ माफ हो सकता है उद्योगपतियों का कर्ज तो किसानों आपको भरोसा है कि राहुल गांधी? अरे भाई, अरे इसमें हम कह कहते किस बात का भरोसा, काहे नहीं है भाई, जहाँ बनी है वहाँ दे रहे हैं। हाँ। तो काहे नहीं देंगे बताइए। तो इस बार मोदी जी जो 400 बार बोले, मोदी जी ने क्या कहा है? आपने देखा है, मीडिया के लोग हैं, कभी मोदी जी की बात करते हैं 400 बार। अरे प्रज्वला रमन्ना के बारे में कुछ आपने पूछा, अमेठी में गायत्री प्रजापति का कभी दुष्प्रचार करके उनसे वोट हासिल करना चाहते थे अमेठी में, आज इतना बुरा दिन आ गया बीजेपी का कि उस परिवार के साथ घूम रहे हैं। आप किसी पूरे भारत में किसी मीडिया के लोगों की किसी हिम्मत है मोदी से प्रश्न पूछ ले? मोदी जी का घोषणा पत्र है, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है। किसी डिक्टेटर के नाम पर गारंटी चलाई जाती है, किसी तानाशाह के नाम पर उस देश का शासन चलाया जाता है लोकतंत्र में किसी। तो क्या लगता है आपको, नई सरकार बन रही है? नई सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों नहीं बनेगी नई सरकार, अमेठी की तो सरकार पूर्ण रूप से बदल चुकी है। आइए कुछ और तो हुआ, जो बात 1500 जने रहे, फिर जगदीशपुर आए, लेकिन बाबा जो है बात क्या की बाबा का करे, क्यों भाइया से परेशान है, क्यों दीदी से परेशान है, समझा कि नहीं समझा? सब
बुद्धि कम शब्दों में थोड़ा और लोगों से देख लेते हैं। खूब लिया हाँ, तो यार इस बार के आयोग में एक अंतिम सवाल कम शब्दों में दीजिए, कितनी सीटें जीत रहे हैं अखिलेश यादव राहुल गांधी जी? अरे पूरा सरकार बनाई है यहाँ, मैंने बहुत झूठ ना बोल पाए, दिल्ली में सरकार बनेगी, यहाँ डिंपल यादव मुख्यमंत्री हो, यही कहना चीफ मिनिस्टर, और बाबा जाता है छूरा लेके नहीं, बाबा जा रहे हैं भैया। एक मिनट क्या, अच्छा अमेठी जो है वो यादव का लगभग क्षेत्र रहा है, और इसीलिए मोहन यादव जी को भी यहाँ पे लगाया गया जो उत्तर प्रदेश, क्या फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क, अरे बैनर लग रहा है कि यादव मतलब मोहन जी के साथ में बैनर लग रहा है कि अब यादव जी के साथ में है, ये सब जुमला है, ठीक है, अखिलेश जी के साथ में है, ये सब जुमला है इनका, हाँ सब यादव, तो स्मृति ईरानी का कोई काम हो, कोई काम नहीं है, 15 रुपए किलो चीनी मिल रही है, और क्या 13 रुपया 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है, और 400 पार कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या है, 400 पार हो रहा है, हाँ पार होगा की पर क्या 400 पार होगा, 400 सीट इंडिया गठबंधन की सीट यार, किसके मोदी जी की, हाँ उनकी पार हो गई 400 सीट, 400 सीटें आप भी करवा रहे हैं, और कोई भी यहाँ और कुछ बात कोई रखना चाहेगा, कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, चलिए मोदी जी को सपने देखने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के संविधान ने दिया है, अच्छा रात देश का संविधान, रात 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 वो सपना देखते रहे कि 400 पार आ रही है कि 500 पार आ रही है, उनको क्यों किसी ने रोका नहीं, क्यों मोदी जी के सपने साकार नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं होगा, उनके सपने में कौन आ गया खड़ा, आधी सीट आ जाए उनकी बहुत बड़ी बात है, 200 पार नहीं होगा, 200 पार नहीं हो रहा उनका, क्या वैसे मुद्दे क्या होंगे इस बार, मुद्दे सिर्फ हाँ। रोजगार महंगाई हाँ। यही मुद्दा है, अमेठी हाँ। के बारे में बात करते हैं ये लोग, अमेठी में क्या नहीं किया गांधी परिवार ने हाँ। हर ब्लॉक में एक संस्थान दिया है, आप यहाँ चले जाइए मुंशीगंज में हाँ। राजीव जी एचएल लाए, राहुल हाँ। जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लाए हाँ। यही जितनी सड़क है, अच्छा तो जो युवाओं को लेकर खास राहुल गांधी जी एक्टिव है, चाहे वो नौकरी को लेकर के, चाहे अभी 30 लाख का तो उन्होंने गारंटी भी दिया है कि सरकार बनते ही अगस्त में समझिए कि नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी, तो युवा भरोसा कर पाएगा इस, क्यों नहीं करेगा, कर रहा है, यहाँ पे देखिए इतने युवा हैं सब राहुल भैया पे भरोसा कर रहे हैं और उनको जिताएंगे, किशोरी लाल यहाँ से जीत रहे हैं 2-2.5 लाख की मार्जिन से जीत रख सकते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मौजूद था अमेठी में, अभी संयुक्त जनसभा होना है अखिलेश जी का और राहुल गांधी जी का, और शायद प्रोग्राम अभी कुछ देर के बाद यहाँ से शुरू होने वाला, और लोगों से देखेंगे, बातचीत करके देखेंगे क्या रुझान है, बाकी इन सब मुद्दों पे आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।